जी टीवी के सबसे चहीते शो कुमकुम भाग्य, जो काफी अरसे से टीआरपी लिस्ट में टॉप रहा, उसकी अब मुसीबतें बढ़ गई हैं। जी हाँ, कुमकुम भाग्य के दर्शकों ने इस शो पे केस फाइल किया है। उनके मुताबिक 3 साल से सीरियल में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं और शो मेकर्स व्यूअर्स को एक ही चीज 3 सालों से दिखाए जा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने नेशनल कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम में शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि पिछले 2 साल से लीड कैरेक्टर अभी की गर्लफ्रेंड तनु को प्रेग्नेंट दिखाया जा रहा है। वहीं शो का ट्रैक 3 साल से एक ही जैसा चले जा रहा है, जिससे दर्शक अब परेशान हो चुके हैं। हालांकि ये कंप्लेंट सुनने में थोड़ी अटपटी सी क्यों ना लगे, लेकिन कुमकुम भाग्य के फैंस अब एक ही स्टोरी लाइन को झेलने का सब्र कहीं खो चुके हैं, इसलिए मजबूरन उन्होंने कंज्यूमर फोरम का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि हाल ही में कुमकुम भाग्य का स्पिन ऑफ कुंडली भाग्य भी ऑन एयर हो चुका है। ये नया शो कुछ नए सदस्यों के अलावा प्रज्ञा की बहनों के इर्द गिर्द घूमेगा। देखना ये होगा कि शिकायतकर्ताओं की अपील से शो मेकर्स कुमकुम भाग्य में दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आते भी है या नहीं। फिलहाल रिश्ता टीवी का मैं इतना ही। अपने पसंदीदा एक्टर्स और सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप करें हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।